就当जाता है कि आजकल आईएसआई टेररिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। ये लोग सूटकेस बम को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको कहीं इस तरह की आपत्तिजनक वस्तु दिखाई दे तो उसे हाथ न लगाइए, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। फोन कर सकता हूं? हाँ कीजिए। हेलो, मैं अभी बस से उतरा हूं। एक ही सूटकेस है, बोलो तो बस स्टैंड पे लगा दूं या फिर रेलवे स्टेशन पर, जहां बोलो वहां लगा दूं। एक ही तो सूटकेस है सर, क्या कहूं लगा दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। कंफर्म, ओके। थैंक यू, वेलकम। देखो वो यहीं पर है, पुलिस फोर्स लेकर आना। जल्दी आइए सर, उसके सूटकेस में बम रखा है सर। चार्ज। अरे बाप रे, move!
क्या चल रहा है? I'm sorry sir, I'm sorry. मेरा सूटकेस. Don't move. सर, देखिए वो कुत्ते. देखिए सर, वो कुत्ते सूटकेस को कैसे सूंघ रहे हैं. जरूर ये टेररिस्ट होगा. ये सूटकेस में RDX और बम लेकर घूमता है. अरे वो बम नहीं है. क्या बम है? कांस्टेबल, ओपन द सूटकेस. इनका क्या? अगर हम लोग सूटकेस खोलेंगे तो हम लोग क्लोज हो जाएंगे. मैंने कह दिया ना, ओपन. ठीक है सर, खोलता हूँ. मैं अपनी बहन के लिए 3 रुपए है क्या? मूर्ति चूर के लड्डू लाया था, सारे खराब कर दिए. No more explanation. तुम हर बार ऐसे ही करते रहती हो. तुम घर में साड़ी पहन के खाना बनाने के बजाय ये सब क्यों करती हो? बात बात पे गन निकालती हो. हमें परेशान कर रखा है. गन अंदर रखो. सर, ऐसी बात नहीं है सर. ये बोल रहा था बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर बैग रखेगा, इसलिए मुझे डाउट आया. आपको नमस्कार. अब आप मेरा पीछा छोड़ दो. जो तिलक लगाता है वो भगवान नहीं होता है, और जो सूटकेस लेकर घूमता है वो टेररिस्ट नहीं होता है. दिमाग खराब हो गया इसका. फिर तुम भागे क्यों? भागता नहीं तो और क्या करता. वहाँ कुत्तों के साथ खड़े रहकर मैं क्या मीटिंग करने वाला था. सॉरी सॉरी, आखिर तुम हो कौन? मैं परशुराम जर्नलिस्ट हूँ. देखो ये जर्नलिस्ट है, अब अखबार में हेडलाइन छापेगा कि मोतीचूर के लड्डू के पीछे आपने कुत्ते छोड़ दिए. पुलिस का नाम बदनाम होगा. सॉरी सर, मैं अपने SI की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ. तुम भी माफी मांगो और इन्हें जहाँ जाना है वहाँ छोड़ के आओ. यही तुम्हारा पनिशमेंट है. सॉरी सर. अरे मुझे नहीं, उनको बोलो. ठीक है परशुराम जी, मैं चलता हूँ. थैंक यू. सॉरी सर. हाँ मेरा भी सॉरी. आपको जाना कहाँ है? श्रीनगर कॉलोनी, वहाँ पर मेरे भाई और बहन रहते हैं. अरे वहाँ पर तो मैं भी रहती हूँ. वहाँ आपको किससे मिला है? सुभाष. अरे सुभाष को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो हमारे घर के सामने रहता है. मेरा सूटकेस. सूटकेस वो तो आ जाएगा. अब मेरे साथ चलिए. ये मेरा घर है और ये आपके भाई सुभाष का. आमने सामने टेंशन है. ऐसा कुछ नहीं है सर. हाँ देखेंगे. रुको, क्या करता है ये? तुम्हारी जीप में क्यों आया? ये खुद आया है या तुम इसे बैठा कर लाई हो? ये मेरे पापा हैं. रिटायर्ड पोस्ट मास्टर जानकी राम. परशुराम. शादी हो गई तुम्हारी? नहीं.
इसकी भी नहीं हुई, लेकिन अगर तुम दोनों एक साथ इस तरह जीप में बैठ करके आओगे तो गांव वाले क्या कहेंगे मेरे बारे में? इस तरह से तमाशा मत करो। तुम मेरी कभी नहीं सुनती हो, इसलिए मैं सबको सुना रहा हूँ। ये तुम्हारी जीप में चढ़ा कैसे और क्यों चढ़ा, ये मुझे बताओ। अंदर चलिए ना भैया। पुलिस जीप में क्यों आए हो भैया? आप दोनों सगे भाई हैं क्या? सगे भाई से बढ़कर बचपन में ही मेरे माँ बाप का देहांत हो गया। इनके माँ बाप ने मुझे पाला, मेरी बहन को भी इन्होंने पाला। वो मेरी बहन है लेकिन उसकी जान इनमें है। हमारे सब कुछ हमारे भैया ही है। बीए फार्मास्यूटिकल्स के जॉब के लिए बहन को ये इधर लेकर आ गया, और इनके बगैर मुझे भी चैन कहाँ मिलता। मैं भी प्रेस जॉब के लिए यहीं पर आ गया, कल ही इंटरव्यू है। अरे भैया, ये तुमने अपने हुलिया क्या बना रखा है? ये हुलिया nothing, nothing. जो वो मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया था उसके चक्कर में ये सब हुआ। हेड इंस्पेक्टर ने मेरे पीछे कुत्ते लगा दिए, फिर चेजिंग और रनिंग। अब फाइनली सॉरी 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 जी सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। हाँ चल चल तू अंदर चल। रम्या रम्या भैया। रम्या ये सब क्या हो गया, तुम्हारा हाथ कहाँ गया? भैया मैं स्कूटी पर जा रही थी, लॉरी से एक्सीडेंट हो गया, पूरा हाथ चूर चूर हो गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि इस हाथ को काटना पड़ेगा। इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं, तुम्हें मेरी याद तक नहीं आई, तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? ए, तू चुप क्यों है? अरे तू तो कम से कम बता सकता था। ए, आज तुमने बता दिया कि मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ। ऐसा नहीं है भैया, मैं आपको सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन आप परेशान न हो जाए इसीलिए मुझे रमैया ने मना कर दिया था। अरे वो तो बच्ची है, लेकिन तू तो समझदार है बहन। बचपन से तुम्हें अपनी गोद में पाला है मैंने, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया नहीं। अच्छा ये एक्टिंग कौन से स्कूल में सीखी थी भाई? और बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला था, और तू भी। भैया 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 मुझे देखता हूँ अभी, रुक। मैंने सारा प्लान इसी का था भैया। नहीं नहीं उसी ने बोला था, करने के लिए मैं ही मिला था तुम्हें। हाँ सॉरी भैया सॉरी, मेरा भाई मुझे कितना प्यार करता है ये देखने के लिए मैंने ये नाटक किया। हाँ देखो फिर दोबारा कभी भी ऐसा जोक मत करना। ओके ओके, ऐसा मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। आप जाओ नहा लो, आपकी पसंद का खाना बनाया है। हा 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 हा, क्या खाना बनाया है, क्या खुशबू आ रही है। एक पूरा साल हो गया तेरे हाथ का खाना खाए हुए। आपको जो जो पसंद है वो सब बनाया है, सब खा लेना। और नहीं ऐसा बोलना मत फिर। तुम फुल ओवर बैटिंग कर लो, और हजम करने के लिए मैं ऐसा टैबलेट दूंगा कि सब क्लियर हो जाएगा। टैबलेट? हाँ, ये डाइजेशन के लिए, ये सोने के लिए, ये बदन दर्द के लिए, और ये सिर दर्द के लिए। मेरे पास सारी बीमारियों की दवा है। ये क्या बड़े डॉक्टर की तरह बोल रहा है? इस कॉलोनी में यही सबसे बड़ा डॉक्टर है, इसके पास फ्री में सैंपल आते हैं और ये लोगों को देता है। वो सब है ना? हाँ है सब हॉस्पिटल में। बड़बड़ मत करो, खाना दो। स्टॉप। एक साल हो गया, एक साल में आप सब कुछ भूल गए। क्या भूल गया? आप खाना खाने से पहले मुझे खाना खिलाते थे। ओहो सॉरी 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 सॉरी, मैं भूल गया, मैं भूल गया। हाँ खा। आज के बाद मैं तुम्हें खाना खिलाए बगैर नहीं खाऊंगा, प्रॉमिस। हेलो, इतना ज्यादा इसको सिर पे मत चढ़ाओ, वरना इसका पति भी अपने सिर पे नाचेगा। वरना जो दवा मैं दूसरों को देता हूँ हम दोनों को खानी पड़ेगी। मेरा पति शादी के बाद तुम लोगों के सर पे नाचेगा कि नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारी बीवियों के सर पे नाचूंगी। आहा, 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 मेरी प्यारी बहन, ये ले थोड़ा सा खाना खा ले। बस 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 यही रोक दो। पता नहीं ये रिश्ता जुड़ेगा या नहीं। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। आप लोग ऑटो में आए हैं? हाँ, बस में पिक पकड़ ज्यादा होता है ना, इसलिए। आगे की सोच रखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आप दोनों ही आए हैं, आपके घर से कोई औरत नहीं आई क्या? हाँ नहीं नहीं, मैं समझ गया, मैं अभी जाकर अपनी बेटी को बुला कर लाता हूँ, तब तक आप लोग ये नाश्ता कीजिए ना। कोई जल्दी नहीं है, आराम से बुलाइए। आप लोग भी जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से खाइए। बेटी 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 बेटी, वो लोग आ गए। कौन आ गए पिताजी? अरे वही जो तुम्हें देखने के लिए आने वाले थे, चलकर मुंह दिखाओ और जल्दी से जाओ। लेकिन मैं ड्यूटी पर जाने के लिए लेट हो रही हूँ। क्या कह रही है तुम? लड़का बहुत अच्छा है, तुम उसे देखकर हाँ कर दोगी, वो बिल्कुल तुम्हारे लायक लड़का है। तुम एक बार उसको देख लो फिर चले जाना। चलो बेटी चलो बेटी, जाओ पिताजी। बेटी इस बार मेरी बात मान लो, एक लड़की की तरह पेश आओ। चलो चलो चलो, ठीक है चलो। हाँ बेटी, बहुत बड़े परिवार से हैं, औरतों का बड़ा सम्मान करते हैं, इसीलिए लोग उन्हें घर पर छोड़कर आए हैं। बैठो बेटी। भाई साहब मेरी बेटी वैजयंती। आ,
अरे ये तुम्हारा होने वाला पति है, तुम इसे ऐसे बात करो। नहीं, ये पॉकेट मार है, बस स्टॉप पे जेब काट रहा था, मैंने पकड़ा और पीट कर पुलिस स्टेशन ले गई। तुम्हारे पिताजी ने अभी तक बैठा है, चलो ऐसे हाल तो फालतू रिश्ते लाने से मना किया था ना, दोबारा अगर तुमने ये गलती की तो मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। नहीं बेटी, अब चुप बैठी। क्यों चुप रहूं मैं? तुम सब में कमी निकालती रहती हो और फिर उसे ठुकरा देती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। सुन लो, ध्यान से सुन लो, तुमसे शादी करने के लिए कोई नक्सलाइट भी यहाँ पर नहीं आएगा। कुंवारी रहोगी तुम जिंदगी भर। मुझे शादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही कुंवारी मर जाऊंगी। हाँ हाँ मर जाओ तुम, बस पुलिस की नौकरी करते रहो, हाथ में डंडा लेकर जीप में बैठो और फिर यहाँ से वहाँ घूमते रहो, यही जिंदगी है तुम्हारी। भले ही दूसरे मेरा मजाक उड़ाते रहे। जल्दी आइए, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। हाँ बस आ ही रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये सामने वाले घर में क्या शोर हो रहा है? ये तो मामूली बात है, हमारी कॉलोनी वालों को इसकी आदत है। लड़की का बाप रिश्ता लाता है और लड़की रिश्तेदारों को बेइज्जत करके भगा देती है, रोज का ही नाटक है। जिस दिन इनका झगड़ा नहीं होता उस दिन कॉलोनी वालों को बहुत आश्चर्य होता है। भैया आप बैठिए, मुझे देर हो रही है। ऑल द बेस्ट भैया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो इंटरव्यू के लिए आया हूँ। हाँ आप वहाँ बैठिए। इसमें दिखाने की क्या बात है, सही मैटर है, छापो। ये कॉलम हमेशा इस तरफ ही होता है, अरे थोड़ा चेंज करो रे। ओके सर। ये मैटर हो गया क्या? हो गया सर। जरा सुनिए, ये साहब कौन है जो इतने बड़े प्रेस में शराब पीकर काम कर रहे हैं? उनकी मर्जी कुछ भी करें। मतलब? अरे भाई वही टेरर के एडिटर चंद्रकांत जी हैं। क्या चंद्रकांत जी हैं? सर 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 सर। गुड मॉर्निंग सर। तू कौन है रे? सर मैं परशुराम हूँ, इंटरव्यू के लिए आया हूँ। इंटरव्यू देने आए हो तो इंतजार करो, ऐसा अंदर मत आओ, जाओ। सॉरी सर, सर आपके बारे में इतना कुछ पढ़ा है मैंने, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपको अचानक देखा तो खुश हो गया, सॉरी सर। सुनो, तुम्हारी बॉडी और पर्सनालिटी देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें मिलिट्री में, पुलिस में या गार्ड में होना चाहिए। जर्नलिस्ट बनने का तुम्हें शौक है क्या? नो सर, मुझे बचपन से जर्नलिज्म का शौक है। आपके पत्रिका में जो भी कॉलम छपता है मैं उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ता हूँ, कभी आपकी तरह बनूं यही मेरा एम है। एम से कुछ नहीं होता रे, जर्नलिस्ट के लिए तजुर्बा चाहिए। इससे पहले मैं बहुत सारे छोटे छोटे प्रेस में काम कर चुका हूँ, ऐसे मैंने बहुत सारे मैटर्स तैयार करके रखे हैं, जैसे पति पत्नी के झगड़े हो गए तो उनके बीच में सलाह कैसे करनी, और परीक्षा पास होने के लिए कैसे क्या करना चाहिए, और खाने की कई रेसिपीज हैं। Stop it! Stop that nonsense thing! कागज और पेन लेने से कोई जर्नलिस्ट नहीं बन जाता, कागज को काला करने वाला भी जर्नलिस्ट नहीं होता। इसने ये किया, उसने वो किया, ये तो हर रोज अखबार में आता रहता है, और ऐसे लिखने वाले भी बहुत पड़े हैं। लेकिन मेरा पेपर ऐसा नहीं है, मेरा पेपर अन्याय करने वालों के लिए टेरर है, टेरर। जनता को सच्चाई दिखाने वाला एक मिरर है। मेरे यहाँ काम करना है यानी तलवार की धार पे चलना है। पैसों के लिए काम करने वाला मुझे नहीं चाहिए यहाँ। मेरे पास काम करने के लिए ऐसा आदमी चाहिए जो अपने आसपास के लोगों को सावधान कर सके, जिसके अंदर धैर्य हो, जिसका दिमाग बहुत तेज हो, डेयरिंग, डैशिंग और डायनामिक होना चाहिए। क्या तुम में ये सारी क्वालिटीज हैं? यस सर। एक चांस देकर देखिए, आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरूंगा। वो तो ठीक है, ये कस्तूरबा विमेंस हॉस्टल का पता है, इस हॉस्टल की मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन तुम लाओगे उसके ऊपर तुम्हारे टैलेंट का फैसला होगा। जा सकते हो। ओके सर। नमस्ते जी। नमस्कार। आप यहाँ के मैनेजर हो? हाँ मैं ही यहाँ की मैनेजर हूँ, आपको क्या चाहिए? मुझे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए? मेरी हाइट 5.5 है, वेट बहुत कम है, जब शादी हुई थी तब बहुत नाजुक थी, अब थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ, कमर बहुत पतली है मेरी, चाहो तो देख सकते हो। मैं आपकी बॉडी की इन्फॉर्मेशन लेने नहीं आया हूँ, मैं आपके हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ। इस हॉस्टल में कौन कौन रहते हैं? सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं या कोई और भी रहता है? यहाँ सिर्फ काम करने वाली लड़कियाँ रहती है, जो काम नहीं करती वो भी रहती है, और यहाँ जो रहती है वो सब शादीशुदा है या कुंवारी भी है। हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन लेने आए हो? मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? आप बताइए तो मैं आपके हॉस्टल के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखूंगा। अच्छा तुम पेपर वाले हो, लेकिन यहाँ जेंट्स का आना मना है। ऐसा क्यों? तुम लोग क्या देख रहे हो? बाहर निकालो इसे। अरे आप तो बोल रही थी मर्दों का अलाउड नहीं है। ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, देख क्या रहे हो, बाहर निकालो, चल जा, पेपर में लिखेगा, पेपर में लिखने वाला। अरे मेरी बात तो सुनिए, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते, सुनिए। भाग यहाँ से, आना मत दोबारा।
अच्छा तो यहाँ ये सब चलता है। जर्नलिस्ट हूँ, मैं पेपर में लिखने वाला हूँ। तुम लोगों को इस हॉस्टल के बारे में जो भी जानकारी है तुम मुझे बताओ, मैं पेपर में लिखूंगा। ये सिर्फ नाम का वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है, लेकिन असल में ये सेक्स वर्किंग हॉस्टल है। लड़कियों का बहला फुसला कर यहाँ लाया जाता है, उसके बाद उसे नेता मिनिस्टरों के पास भेजा जाता है जो उनका शोषण करते हैं, और उनका कहना नहीं मानेंगे तो मारने से भी बाज नहीं आते। इसके पीछे किसका हाथ है? इंटरनल सिम्हा, एक नंबर का राक्षस है वो। वो नई लड़की क्या कर रही है मैं जाकर देखती हूँ, तुम बाहर जाओ देखो कोई आ रहा है क्या। अरे तुम आ गए। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो ये क्या है। अरे देखो छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, देखो छोड़ो मुझे, छोड़ो। नरसिम्हा भाई चुप कर, क्यों चिल्ला रही है इतना? देखती नहीं कि मैं शराब पी रहा हूँ, आगे बोल क्या काम है। वो पेपर वाला आया है, उसे अपने हॉस्टल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जाकर पहले उसकी खबर लीजिए नहीं तो वो वाट लगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू रुक तू रुक, कहां बच के जाएगा। अभी भागो यहां से वरना ये सारे कपड़े उतार देंगे।
सर मैं परशुराम हूँ सर टेरेस पे। तुम? हाँ सर। वैजंती तुम इस जर्नलिस्ट के पीछे क्यों पड़ी हो? इसने ऐसा क्या गुनाह किया है कि बार बार तुम इसे घर दिखाती हो? सॉरी सर, इसका गेटअप देखकर मुझे लगा कि ये कोई चोर है। इसलिए कहता हूँ तुम घर में खाना पकाओ, ये पुलिस की ड्यूटी हमें करने दो। सॉरी सर। अरे इधर नहीं उधर बोलो, और इसे जहाँ जाना है वहाँ छोड़ कर आओ। यस सर, सॉरी सर, आइए जीप में बैठिए। आपको नमस्ते और आपकी जीप को भी नमस्ते। अगर मैं इस गेटअप में आपकी जीप में बैठा तो लोग मुझे सच में टेररिस्ट समझेंगे। परशुराम, सुनो तो भाई। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्या, तुम व्हाइट एंड व्हाइट में गए थे और ब्लू स्टार बनकर आए? ये मैं बाद में बताऊंगा, ये बहुत लंबी कहानी है। मैं एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ सर। क्या है? वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में दिन दहाड़े लड़कियों का धंधा हो रहा है। भोली भोली लड़कियों को वहाँ लाया जाता है और उनसे धंधा करवाया जाता है सर। वेलकम माय बॉय, वेलकम। मुझे तुम्हारे ही जैसे आदमी की तलाश थी। सुनो परशुराम, लगता है मेरी तलाश अब खत्म हो गई और तुम्हें पाकर लग रहा है कि मेरी मंजिल अब दूर नहीं है। अरे आज समाज में जितने भी पेपर्स हैं मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। जो मेरे अपने थे मैंने उन्हें खो दिया है। मैं खुद के पैर भी खो चुका हूँ। आज मैं व्हीलचेयर के सहारे चल रहा हूँ। प्रतीक्षा और निराशा में रहकर मैं एक एक पल नरक की जिंदगी जी रहा था। पर मुझे अब उनकी परवाह नहीं है। मेरा टेरर अखबार फिर से पहले की तरह होगा और यह सब होगा तुम्हारी मदद। अब इस मैटर को हम अच्छा सा हेडिंग देंगे, जल्दी से इस मैटर को छाप देंगे हम। राजू प्रिंटिंग शुरू करो। कम ऑन कम ऑन, हरी अप हरी अप। सर जरा देखिए पेपर में क्या छपा हुआ है। सुनकर शर्म आती है कि इतनी बड़ी सिटी में इतना बड़ा मैटर हो गया। खबर पेपर में छप गई और फिर तुम मुझे बता रहे हो पुलिस अब किसी काम की नहीं। ये बात महिला मंडल के साथ साथ सड़क का कुत्ता भी कह रहा है। लोग हम पर थूक रहे हैं। मिस वैजंती। यस सर। इस एरिया की इंचार्ज तुम हो। यस सर। तुम अभी वहाँ जाओ और उसे बंद करो। यस सर। नरसिम्हा भाई पुलिस आ गई, जल्दी निकलिए। पुलिस? अरे इंस्पेक्टर साहब मुझे नमस्ते। परशुराम जी। नमस्ते साईं साहिबा जी। ए, ये क्या तूने जीजी लगा रखा है? हाँ यूनिफॉर्म में हो इसीलिए नमस्ते, अगर सिविल में होती तो हाय बोलती। वैसे तुम ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी? ऑफ ड्यूटी हूँ, लेकिन तुम्हारे भैया से बात करनी थी। मुझसे बात करनी है? अच्छा अच्छा, भैया से बात करनी है। लेकिन समझ गए, समझ गए। हाँ वैसे मुझे यहाँ से जाना ही था। अरे अरे कोई बात नहीं है। ओके ओके कोई बात नहीं। कांग्रेचुलेशन जी, मैं आपसे कह रही हूँ। मुझसे क्यों? जर्नलिस्ट में कदम रखते ही आपने इतना बड़ा काम कर दिखाया। सेंसेशनल मैटर लिखकर हमारे डिपार्टमेंट में मूवमेंट लेकर आए और अपने अखबार के लिए अच्छा नाम कमाया। और वहाँ जो भोली भाली लड़कियाँ फंसी थी आपने उन्हें भी आजाद कराया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आप इसी तरह अच्छी अच्छी खबरें छापते रहिए और जर्नलिस्ट की दुनिया में टॉप का मुकाम हासिल कीजिए। और इस कामना के साथ मैं आपको छोटा सा प्रेजेंट दे रही हूँ। मस्तानी तेरी चाल है दीवानी, सुन तू जरा। बड़े दिल वाले आशिक मत वाले अरे सुन तू जरा। हुस्न तेरा कर बेकाबू, इश्क में तेरे है जादू। देख के तुझको ये दिल धड़का। गोरे गोरे गालों वाली, काले काले बालों वाली, सुन तू जरा। काले टोपे वाले
जहाँ जहाँ देखूं बस तू ही तू, आंखें बंद कर लूं जहाँ मैं तू, देखा तुझको हाल बुरा मेरे दिल का। मैं हूँ कमसिन शोक हसीना, देखा नहीं तेरे जैसे कोई कहना, विदा है मेरा दिल जाने जाना तुझ पे। आज मेरी बात तू मान ले, दिलो जैसे हूँ तेरे ये सुन ले। पहली नजर में मेरा दिल ले गई, तुझ में भी है कोई जादूगरी, है मेरा दिल जाने जाना। गोरे गोरे गालों वाली, काले काले बालों वाली सुन तू जरा, काले टोपे वाले मेरे बाबू भोले भाले, अरे सुन तू जरा। नजरों के सामने आए जब तू, आंखों से दिल में उतर जाए तू, दिल पे गिराए बिजली तेरा ये जलवा। सपनों का मेरे राजा है तू, दिल का मेरे शहजादा है तू, चैन मेरे दिल का चुरा लिया है तूने। तेरे आगे फीके हैं ये नजारे, दिल धड़काए मेरा तेरे इशारे, जोड़ी को हमारे नजर ना लगे, होके जुदा हमें जीना ना पड़े, दिल से दिल का मिलन हमारा हो। हे गोरे गोरे गालों वाली, काले काले बालों वाली सुन तू जरा, काले टोपे वाले मेरे बाबू भोले भाले, अरे सुन तू जरा। हुस्न तेरा करे बेकाबू, इश्क में तेरे है जादू, देख के तुझको ये दिल लवर का प्रेजेंट। भैया वो दिल के पास सिर्फ पेन ही छोड़कर गई है या कुछ और भी, जरा देखो। तुम्हारी कंपनी में जो कुछ भी गलत धंधे हो रहे हैं, मैं उसे अखबार में छाप के कंपनी बंद करवा दूंगा। जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसको खाना देती है, जब लवर रूठता है तो लड़की उसको पप्पी देती है, और ऐसा स्ट्रिक्ट ऑफिसर जब रूठ जाए तो हमारे जैसे बिजनेसमैन उसे रिश्वत खिलाते हैं। ये लो और रख लो, हाँ रख लो। तुम मुझे पैसे से खरीद नहीं सकते हो, कभी नहीं। तुम जो ये नकली दवाइयाँ और एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन बेच कर जो तुम लोगों के जान लेने की कोशिश कर रहे हो, ये देख के मैं चुप नहीं बैठूंगा। सुपर डेड, व्हाट अ हैंड पावर, एक ही झटके में गर्दन काट डाली। इसके सर पर पेट्रोल डालकर इसमें आग लगा दो और बॉडी को स्टेट बोर्ड में फेंक दो। ये किस सिटी का ऑफिसर है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, वो लड़ते रहेंगे। सर सर सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। That's good. तुम लोगों को जितना चाहिए मांग लो और बेटा दे दो। सिर उठाकर उल्टा जवाब दिया तो उस सिर को धड़ से अलग कर दूंगा, दैट इज अवर पॉलिसी, समझ गए? भाई नमस्ते, नमस्ते भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई, मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ। पैर छोड़ो मेरा, आफ्टर ऑल एक अखबार वाला इतना बड़ा हंगामा करके चला गया और तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, यूज़लेस फेलो। भाई भाई भाई,
मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आखिर कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? सबसे बड़ी बात तो ये कि न्यूज अखबार में आ गई और इसके बाद यहाँ पुलिस आ गई, इसके लिए तुमने क्या इंतजाम किया है? भाई भाई मैंने सभी इंतजाम किया था और हर महीने उन्हें पैसे भी पहुँचाता था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो लोग गद्दारी करेंगे, विश्वासघात करेंगे। मुंह बंद रखो। तुम्हें बता दूं ये तुम्हारी पहली गलती है, तुम्हारा फ्यूचर देखकर तुम्हें माफ कर रहा हूँ, वरना अभी तक तुम्हारा सिर फुटबॉल की तरह हवा में उड़ रहा होता। भाई आपके सर की कसम खाता हूँ, तुम्हारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब जल्दी से बिजनेस शुरू करो। जैसे गल्फ के लिए बिजनेस जरूरी है, उसी तरह अपने धंधे के लिए लड़कियां जरूरी है। मैं समझ गया भाई, जो इस बार हुआ है दोबारा कभी नहीं होगा। चुप बे, मेरे सेंटर का बिजनेस स्टार्ट कर, उस जगह को जल्दी से बदल दे। आपका हुकुम सर आंखों पर। भाई अब मैं जाऊं? इधर आओ। नमस्कार सर। तुम नकली नरसिम्हा को जानते हो क्या? हाँ, जानता हूँ ना। उसे कल पुलिस स्टेशन में लेकर। हाँ, जानता हूँ, लेकिन देखे काफी टाइम हो गया, वो कहाँ रहता है वो भी मालूम नहीं। अभी तुमने कहा है ना कि तुम उसे जानते हो, तो उसको पुलिस स्टेशन में लेके आना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मैं तुम्हें लॉकअप में डाल दूंगा, समझे क्या? ठीक है, जाओ। नमस्ते सर। मेरा नाम अन्नावरम, गाँव का नाम गंगावरम। हाँ तो क्या चाहिए? 6 महीने से टेररिस्ट को ढूंढ रहा हूँ सर, पर रिटर नहीं और पैर में बांटा नहीं और मुझे चैन नहीं। कौन है वो? जस्ट अ मिनट, सी हिम। लादेन, इसे जानते हैं आप? अच्छी तरह। नाम? बिन लादेन है। गांव? अफगानिस्तान का। इसका नाम पता है, गांव भी पता है, इसने अमेरिका के टावर को बम से उड़ा दिया, देश में इतने बड़े बड़े कांड कर रहा है ये भी पता तुमको, उसने सबकी आंखों की नींद छीन ली ये भी पता है, ये सब आपको पता है, इसके बाद भी आपने उसको पकड़ा नहीं। आप लोग अन्न खाते हैं या घास खाते हैं? इंसान हो या जानवर हो, जीप में मत घुमा करो, उसका पता बताओ। पता मुझे नहीं पता। नहीं पता? क्यों नहीं पता? अभी तुम उसे क्या बोल रहे थे, मेंटल नसीमिया को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें लॉकअप में बंद कर दूंगा। ये धमकी दे रहे थे ना, तुम क्या मुझे उल्लू समझते हो? तुम उसको लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दूंगा। अभी जो कुछ तुम मेरे सामने बक रहे हो, थोड़ी देर और खड़े रहे तो जान से मार डालूंगा। ये इधर आ। क्या हुआ? मुझे साइलेंट के अलावा वायलेंट पसंद नहीं है। कहीं पागल हो? मैं पागल नहीं हूँ, वो मासूम लोगों की जान ले रहा बिन लादेन पागल है, और ये सब कुछ जानने के बाद तुम लोग उसे नहीं पकड़ रहे, तुम लोग पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, तुम लोग पागल हो। लीलावती अस्पताल से भाग के आए हो तुम लोग, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, पागल हो, तेरी तो पागल है। मेरी बेटी को देखकर ना बोल ही नहीं सकते, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी बेटी सब इंस्पेक्टर है, ये जान के मेरा बेटा डर गया। बात नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं, भले ही वो पुलिस में काम करती है लेकिन उसका दिल मक्खन जैसा है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मेरी बेटी को दहेज के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आपको दहेज जरूर दे दूंगा। ये लीजिए एड्रेस, आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा। अब मैं चलता हूँ। अरे कल ही तो यहाँ रखा था, किधर चला गया? यूनिफॉर्म ढूंढ रही हो ना बेटी? उसे मैंने छिपा दिया है। तुम्हारे आज की ड्यूटी कैंसिल, मैंने लीव लेटर भेज दिया है, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। अरे व्हाट नॉनसेंस, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी, फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? पिताजी मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार कह दे रहा हूँ, अगर तुमने इस बार हाँ नहीं किया तो ये तुम्हारा बाप हमेशा के लिए मर जाएगा। पिताजी एक बात और, जाते जाते मरने का टिप्स तो देते जाओ, पंखे से लटक कर मरूं या फिर खुद को चाकू मार लूं मैं, या फिर गैस से जल जाऊं। पिताजी क्यों परेशान कर रहे हैं? देखो बेटी, मैं पागल हूँ या अच्छा हूँ, जैसा भी हूँ, आखिर हूँ तो मैं तुम्हारा बाप ही ना बेटी। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी अब मेरे ही ऊपर है, तुम नौकरी करती हो, हर महीने अच्छी तनख्वाह पाती हो, जिंदगी के लिए यही काफी नहीं है, तुम्हारा अपना एक घर संसार होना चाहिए, यही तुम्हारे लिए रियल सिक्योरिटी है। देखो बेटी, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही है मेरी उम्र कम होती जा रही है, तुम्हारी शादी नहीं करा पाया तो ऊपर मैं तुम्हारी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगी, कहेगी अपनी बेटी का भी रिश्ता नहीं करा पाया। बेटी अभी जो लोग रिश्ते के लिए आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे लोग हैं, तुम देखते ही यहाँ कह दोगी। बेटी चलो चलो, ये साड़ी पहन लो, ये साड़ी पहन लो, पहन लो। हाँ बेटी, मैं सब देख लेता हूँ, मैं बाहर जाकर तैयारी करता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, क्या हुआ बेटी? पापा हाँ। वो लड़का मुझे पसंद है। आ गए? वो लोग आ गए? हाँ। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। आई है ना? हाँ, हो गया सब, आइए बैठिए। लड़का तो आया नहीं, फिर ये किसको देखकर हाँ कह रही थी? पिताजी वो लड़का परशुराम है, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? परशुराम,
तो तुम्हें परशुराम पसंद है? हाँ पसंद है। तुम्हें पसंद है? हाँ। और मुझे? मुझे भी पसंद है। हे भगवान, इसे लड़का पसंद। करेक्ट एड्रेस है। आप लोग कौन है? आप कौन है? मेरे घर पर आकर मुझसे ही पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ? दिमाग खराब है? तू है कौन? ये क्या बोल रहे हो? तुम मेरे घर पे आए थे, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मेरे पैर पकड़ रहे थे, अभी मेरे को बोल रहे हो मैं कौन हूँ? पागल हो क्या तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता है इस समय तुम किससे बात कर रहे हो? रिटायर्ड पोस्टमास्टर जानकी राम। मैं तुम्हें नक्सलाइट से उड़वा दूंगा, जेल में भिजवा दूंगा, तुम्हें किडनैप करवा लूंगा। समझते क्या हो अपने आपको? ये भी कोई लड़का है क्या? खंबे की तरह खड़ा है। अरे काली तुम्हारी बीवी और ये मटके जैसा तुम्हारा पेट। तुम्हारे साथ रिश्ता करूंगा। मेरी हैसियत देखो और अपनी हैसियत देखो। अब एक सेकंड भी यहाँ रुके ना तो देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूं। ये पागल है, इसकी बेटी की बड़ी पागल है। निकलो यहाँ से। चलो चलो बेटा, चलो चलो। अरे भाग, रिक्शे वाले गाड़ी स्टार्ट कर। निकलो यहाँ से जल्दी। अरे अरे दूर दूर तक मत जाना, छोड़ के जा रहे हो। भाग। क्या सर, क्या झगड़ा हुआ? कुछ नहीं बेटा, अब मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। मैंने रिश्ते के लिए लड़के वालों को यहाँ पर बुलवाया था, लेकिन लगता है भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर है। मेरी बेटी ने तुम्हें देखा और मुझे बताया कि ये तुम्हें पसंद करती है। मुझे? हाँ, तुम्हें। मैंने तो सोचा था पता नहीं मेरी बेटी शादी करेगी या नहीं। इसने खुद मुझे बताया कि तुम इसे पसंद करते हो। बेटी का बाप होने के नाते मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम इसे शादी करोगे ना बेटा? भैया भैया, ओ कम ऑन प्लीज भैया। वैजंती जैसी भाभी मिलना मेरे लिए खुश नसीबी है। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आएगा भैया। प्लीज भैया, मान जाओ भैया। भैया भैया, मान जाओ भैया। प्लीज बेटा। तुमने मुझसे बिना पूछ के ही फैसला कर लिया और मुझसे पूछा तक भी नहीं कि मैं हाँ बोलूंगा या ना। अब तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मैं ना कैसे बोलूंगा? तुझको दूंगा, जा भी तुझको दूंगा। तुझको ही मैं चाहूं, तुझको ही मैं देखूं। मेरा है तुझसे वादा। मेरे दिल का तू राजा, मेरे पास तू आजा, बहू में तू समा जा, समा जा, समा जा। मेरे दिल की तू रानी, तेरी मस्त जवानी, कर ले थोड़ी नादानी। दिल लगा, दिल लगा, दिल ये तुझको दूंगा, जा भी तुझको दूंगा। जब से तू दिल में ओ सनम, नींदे उड़ गए, मेरा चैन खो गया। जादू तू निभाई, कैसे ये किया, पहली नजर में दिल तेरा हो गया। अब तेरे सिवा दिखे ना कोई, हर तरफ देखूं बस चेहरा तेरा। तेरे बिन मेरा दिल नहीं लगता, लेता है बस ये नाम तेरा। ये तेरा मुझको भा गया, नशा ये तेरा मुझ पे छा गया। छोड़ूंगा ना साथ कभी मैं तेरा, ना भूल ना वादा, ये अपना इरादा। कर ले थोड़ी नादानी, दिल लगा, दिल ये तुझको दूंगा, जा भी तुझको दूंगा। मेरी जिंदगी है तेरे वास्ते, मेरी हर खुशी बस तू ही तू, तेरे ही घर जाए मेरे रास्ते। तेरे प्यार में हूँ दीवाना मैं, ये
तेरे लिए दिन रात आहे भरूं। मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, तेरे लिए जीऊंगी और मैं मरूं। मेरे हाथ ये तेरा थाम लूं, हर पल तेरा बस मैं नाम लूं। दीवाना परवाना मैं हूँ तेरा, तेरे नाम की कंगना मैं तो पहनूं रे सजना। कर ले थोड़ी नादानी ये दिल लगा, दिल ये तुझको दूंगा, जहाँ भी तुझको दूंगा। तुझको ही मैं चाहूं, तुझको ही मैं देखूं, मेरा है तुझसे वादा। मेरे दिल का तू राजा, मेरे पास तू आजा, बहू में तू समा जा, समा जा, समा जा। मेरे दिल की तू रानी, तेरी मस्त जवानी, कर ले थोड़ी नादानी, दिल लगा, दिल लगा। बस करो, मुझे नहीं चाहिए। भाभी पार्टी सुपर्ब हुई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किस बात के लिए? बिल भरने वाले को थैंक यू बोलना हमारी कर्तव्य है, क्यों भैया? 100% ओके। आपने पार्टी के लिए कहा था, बिल आपको ही देना पड़ेगा। आप लोग इतना क्यों लड़े हो? मैं एक पहेली बुझाऊंगी, जो उस पहेली को सॉल्व करेगा वो जीतेगा और जो हारेगा वो बिल भरेगा। ओके 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 ओके। हेड टू हेड टच, स्किन टू स्किन टच, नाइट बॉल्स गो टू बेड। चीची लड़की होके ऐसी पहेली बुझा रही हो, शर्म नहीं आती? ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, चलो सोल्यूशन बोलो। मुझे नहीं पता। तो बिल आप भर दो। कैश डाउन। तो आप बताओ ना। आंख बंद करके सो जाना। ऐसा कैसे? हेड टू हेड टच, स्किन टू स्किन टच, नाइट बॉल गो टू बेड, इसका मतलब सो जाना। भाभी ये बिल तुम्हारा है, भर दो। हाँ भर रही हूँ। बिल के ऊपर रख दो। टाइम हो गया, आप चलो। हेलो, यस सर, सर इमीडिएटली आना है। ओके सर, सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, सीए साहब ने मुझे इमीडिएटली बुलाया है। ओके, हेलो, ड्यूटी फर्स्ट सिनेमा नेक्स्ट। हाँ, मैं बाद में आकर ज्वाइन कर लूंगी तुम लोगों को। ओके सॉरी रमैया, सॉरी सुभाष, सॉरी बाय। इट्स ओके, इट्स ओके। भैया फर्स्ट नाइट को सेल भाभी के पास मत रहने देना। क्या बहन, सेंट्रल ड्यूटी। इस समय बस मिलेगी क्या? मुझे पता है भैया, लास्ट बस आएगी। छी, एक ऑटो भी नहीं दिख रहा। वो देखो बस आई। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इतनी रात को एक लड़की के साथ दो दो लड़के, ये कोई लॉजिंग बस नहीं है। ए बदतमीज, रुक जा। भैया भैया भैया, कहाँ जा रहा है तू? रुक। खूबसूरत है यार। मेरी यार, हाय गुड़िया, मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरी बहन है। अरे तो बाजी बढ़ रहे हैं। सर है, तेरी सैलरी कितने है रे? 5,000। इतनी सैलरी में अपनी बहन को इतनी खूबसूरत कैसे बनाया? राकेश पागल मत बनो। साहब ये मेरी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था, अटेम्प्ट टू रेप का केस दायर करके इसे अंदर डाल दीजिए।
छोटे साहब आइए आइए बैठिए आइए यहाँ बैठिए। ये जो मान मर्यादा है ना वो घर पे, यहाँ ड्यूटी फर्स्ट, FIR लिख। क्या नाम है तेरा? राम, परशुराम, जर्नलिस्ट फ्रॉम टेरर। Hey, मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन में रखने की तुमने हिम्मत कैसे की है? सर जरा मेरी बात तो सुनिए। शट अप इडियट, किसके कहने पर तुमने मेरे बेटे को अंदर बंद किया है? मैंने 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 सर मेंटल के बारे में पेपर में इसीलिए छापा था। hey, पेपर वाले, अपना नाम कमाने के लिए तुमने जो दो चार बातें लिखी थी उस समय मैंने ये सोचकर माफ कर दिया कि तुम नए हो, तुम्हें नाम चाहिए। तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? जानते हो तुमने किसके बेटे पर हाथ डाला है? आखिर हो क्या, बस एक मामूली जर्नलिस्ट हो तुम। मैं BR बुल्ली रमैया नाम तो सुना होगा ना तुमने। ये MLA MP लोग सब मेरे इशारे पर नाचते हैं, मुझसे इजाजत मांगते हैं। IAS IPS सब मेरी गिफ्ट के इंतजार में मेरे घर के चारों तरफ मंडराते रहते हैं। सीने स्टार, माफिया डॉन, वो PRH की पार्टी में सीट के लिए मरते रहते हैं। और एक ये है बुल्ली रमैया, बुल्ली रमैया BR। अगर मैं चाहूँ ना तो पूरी सिटी को सीमेंट में घोल कर रख दूँ। अच्छा, इस सिटी से बाहर जाकर देख, तब तुम्हें हमारे स्टेटस के बारे में पता चलेगा। BR बिल्डर्स, BR स्टेट्स, BR फाइनेंस, BR पेस्टिसाइड्स, BR फार्मास्यूटिकल्स, BR बरेल ग्राउंड। जो विश्व विजेता थे अलेक्जेंडर, अंत में उन्होंने भी अपने लिए कब्र बना ली। तो तू क्या चीज है, चरित्र क्या है, तुम्हें क्या पता है बुल्ली रमैया? प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ नहीं आएगी, अच्छाई और इंसानियत होनी चाहिए। पहले अपने बेटे को इंसानियत सिखाओ। एक अकेली लड़की को देखकर इसके अंदर का शैतान जाग उठता है। hey! काट डालूंगा। मिस्टर बुल्ली रमैया, तुमने मुझे एक मामूली पेपर वाला कहा ना। एक पेपर वाला चाहे तो पार्लियामेंट को हिला सकता है, गवर्नमेंट को बदल सकता है, लाखों लोगों को छू सकता है। इस पेन से निकली हुई शक्ति किसी बम से कम नहीं है, समझता है तू? जो लाखों बंदूकें काम नहीं कर सकती वो ये पेन कर सकता है। इस पूरी दुनिया में तेरी हस्ती ही क्या है जो इसे छू सके, इस बात को तू हमेशा याद रखना। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें दिखा दूंगा। मैं अपने बेटे को यहाँ से ले जा रहा हूँ इस पुलिस डिपार्टमेंट, और तुम्हें जो कुछ भी करना है वो कर लेना। कौन ये जानने के बाद भी वो जर्नलिस्ट क्या समझता है खुद को, उसके पर काटने ही पड़ेंगे। hey! गर्मा गर्म पी लो भैया, स्पेशल टी आपके लिए मलाई मार के। hey, सिद्धू, तू मेरे लिए स्पेशल चाय क्यों बना कर लाता है? आप औरों की तरह नहीं हो, आप स्पेशल हो, इसलिए आपके लिए स्पेशल चाय। जल्दी से स्लेट निकाल, चल शुरू करेंगे। मैं रेडी हूँ, आप कहीं से भी पूछ लो भैया। वेरी गुड, बस इतना याद रखना कि अक्षर ही हथियार होता है। अगर तुम्हें इतना आ गया ना तो तुम्हारे लिए पेपर पेन पक्का। भैया थैंक्स भैया। ए सिद्धू, बातें छोड़कर उस टेबल पर क्या चाहिए देख। हाँ ठीक है। देखो भैया, मैं जब भी स्लेट पकड़ता हूँ वो मुझे काम बता देता है, ये सोचकर कि कहीं मैं उससे बड़ा ना बन जाऊँ। अभी आया। क्या चाहिए सर? चार स्पेशल टी। भैया ये टेबलेट। भैया सॉरी परशुराम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं तुम्हें कभी इस हालत में देखूंगी ये सोचा ही नहीं था। ये सब कैसे हुआ? नथिंग। तुम झूठ मत बोलो, वो एरिया मेरा नहीं है, फिर भी मैं एक्शन लूंगी। पहले तुम ये कॉफी लो। जब देखो मजाक सुस्ता है, सीरियसली बात कर रही हूँ। मैं भी सीरियसली बात कर रहा हूँ। बट माय बॉय,
हाउ आर यू? सिद्धू ने जब से बताया मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे हो? अभी ठीक हूँ सर। जर्नलिस्ट बनना अब तुम्हारी समझ में आ गया ना? अब क्या फैसला है तुम्हारा? किस बारे में सर? अरे जॉब कंटिन्यू करोगे या कागज कलम छोड़कर अपनी बैग उठाकर वापस गांव जाने की तैयारी करोगे? बैक टू पेविलियन? नेवर सर। आप अपने शिष्य को बहुत कम समझ पाए हैं। वो लोग डरपोक हैं जो पीछे से वार करते हैं, लेकिन मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ सर। लाइफ लॉन्ग जर्नलिस्ट के नाम से ही जीऊंगा। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं बहुत धन्य हो गया मेरे बच्चे। मनुष्य के लिए हिम्मत बहुत जरूरी है, ऐसा महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा था। ये हिम्मत ही तेरी ढाल है, ये धैर्य ही तेरा कवच है। पूरे रास्ते में खड्डे ही खड्डे हैं, चारों तरफ अंधेरा छाया है, और उस अंधेरे को दूर करने के लिए एक छोटे से दिए की ही जरूरत है। कैसे? कैसे? तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें रोशनी दिखाएगी बेटे, तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें रोशनी दिखाएगी, हिम्मत ही तुम्हें रोशनी दिखाएगी। हेलो। हाय। नाम अन्नावरम, गांव गंगावरम। मेरा नाम भीमकरण, बाजी वाले का कुंभकरण। अब बताओ तुमको क्या चाहिए? एक छोटा सा एड्रेस चाहिए। किसका चाहिए? चंद्रबाबू नायडू, वेंकैया नायडू, रामा नायडू, श्री नारायण रेड्डी, वाई एस राजशेखर रेड्डी, वसंतराव रेड्डी, श्रीनिवास यादव, कृष्ण यादव, श्री राम यादव। किसका एड्रेस चाहिए बोलो, पिन कोड के साथ दूंगा। हाँ, ओल्ड सिटी से हाईटेक सिटी जिसका भी एड्रेस चाहिए मिलेगा, बिकॉज आई एम पोस्ट मास्टर। थैंक यू। ये कौन है बताओ? दाऊद इब्राहिम। आप इसे जानते हैं? अच्छी तरह से जानता हूँ इसको। इस आदमी ने मुंबई में बम लगा करके कई लोगों की जाने ले ली है, तुम जानते हो ना? हाँ, मालूम है। तो इसको बुला करके तुम समझा नहीं सकते क्या? बोलो सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ? क्या ये दाऊद इब्राहिम नहीं है? है ना? क्या इसने बम नहीं डाला? है ना? ये तुम्हें नहीं पता, पता है? ना, अब मैं आपको क्या बता सर, वो मेरा साला है या जीजा, लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान है सर। पाकिस्तान उसके पीछे है, ये तुमको पता है? पाकिस्तान को आप पानी में रेंगने वाला जीप समझ रहे हैं? हाँ। वो पूरा एक देश है। छी, वो बड़ा देश है, इसलिए तुम डर के पीछे हट रहे हो। अपने राष्ट्र का नाम लो, अपने राष्ट्र का गाना गाओ, जो भी सामने आए सर काट दो। हाँ। समझ गए तुम? हाँ। पता नहीं ये किस पागलखाने से बात कर रहा है, इसे किसी तरह से जान बचानी होगी। सर, उसका पता याद आ गया। बोलो। बोरीवली में उसका घर है और वो पानी की टंकी पे खड़ा है। सच्ची? सच सर, इब्राहिम दाऊद की कसम। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल खाने से भाग के आया हूँ क्या? सर आप पागल नहीं है, पागल तो मैं हूँ ना। अरे तू पागल है ये बोलेगा तो मैं समझ लूंगा क्या? तूने मुझे पागल समझा है? पागल आदमी ना मेंटल हॉस्पिटल से भाग के नहीं आते, यही पैदा होते हैं पागल लोग, समझ रहे हो ना? अब तू पागल, तेरा पागल, तेरा पागल, सारे भाजी वाले पागल, 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 ले भाग पागल। मुझे माफ कर, लीलावती अस्पताल से नहीं बल्कि नानावटी से भाग के आया हूँ। हाँ, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ अंकल। वेरी गुड, फीवर कम हो गया। सिस्टर इंजेक्शन तैयार करो, मुंह खोलो, अच्छी तरह से खोलो। वेरी गुड, इसका बुखार उतर गया, आप ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ऑल राइट बेटी, कल हम लोग घर चलेंगे, ठीक है? नहीं सांटी, कल हम लोग घर चले जाएंगे। ऑल द बेस्ट। कुछ नहीं होगा, पप्पी, पप्पी, देखिए पप्पी को क्या हो गया है? बेटी, नर्स, नर्स, देखो क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटी को? बेटी, बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटी को? बेटी, 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 क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ? नर्स, नर्स, मेरे बेटी को। डॉक्टर, बेटी, डॉक्टर, बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? बेटी, बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटी को? क्या हो रहा है? बेटी, 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 क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? मेरी बेटी को क्या हुआ? सिस्टर देखो। सॉरी सर, आपकी बेटी नहीं रही। मेरी बेटी मर गई। बेटी, 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 तुमने, तुमने मारा मेरी बेटी। मैं तुमें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा। तुमने मेरी बच्ची को मार डाला। सर, इसने मेरी बच्ची को मार डाला। सर, मेरी एक ही औलाद थी सर, इसने मेरी बच्ची को मार दिया सर। कुछ देर पहले ही डॉक्टर ने कहा था हम लोग घर जाएंगे सर। सर मैं क्या करूं सर? नसों का कैंसर, 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 नसों का कैंस
मेरी प्रॉब्लम समझिए प्लीज। मैं उन लोगों से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, प्लीज आप लोग हटिए प्लीज। हेलो डॉक्टर साहब, मैं परशुराम, जर्नलिस्ट फ्रॉम टेरर। मैं जानता हूँ आपको। इंजेक्शन देने से पहले बच्ची ठीक थी, इंजेक्शन देने के बाद ऐसा हुआ कि एक वीक से हम लोग यही यूज कर रहे हैं। तो फिर इस बार ये ऐसा कैसे हो गया? मैं क्या कह सकता हूँ, दो तीन दिन पहले भी कुछ पेशेंट एक्सपायर हो गए थे, दवाई एक्सपायरी डेट की है। मैंने ऊपर इसकी कंप्लेंट की थी कि एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन है, इसकी सप्लाई रोक दीजिए, लेकिन उन लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसका मतलब वो दवाई ठीक नहीं है, उस दवाई को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये आप मुझसे नहीं, हेल्थ मिनिस्टर से बात करिए। ये जो घटना घटी है उसको लेकर हम सब दुखी है, बाकी मंत्रियों से बात करके डिसाइड करूंगा क्या करना है। उस मासूम बच्चे की जान जाने के बाद आप लोग ये डिसाइड करेंगे कि क्या करना है? क्या कहा? तुम कौन से पेपर के रिपोर्टर हो बताओ? किसी भी मामूली पेपर का रिपोर्टर नहीं हूँ, टेरर का हूँ, टेरर। तो क्या हो गया, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे दवाइयाँ मेरी कंपनी की थी। BR फार्मास्यूटिकल्स को आपने ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था, ये लो क्वालिटी ड्रग्स उन्हीं की कंपनी से आए हैं, आपका उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है ऐसा सब लोग कह रहे हैं। तुम पागलों की तरफ बातें करोगे मैं सुन लूंगा? तुम टेरर पत्रिका के रिपोर्टर हो, फालतू की बातें मत उड़ाओ समझे? उन लोगों की बात ना मानकर आप जो झूठी कहानी कह रहे हैं उस पर यकीन करके मैं पेपर में नहीं छाप सकता। अभी जो घटना घटी है उसके जिम्मेदार आप हैं और आपकी गवर्नमेंट है, ऐसे सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं। पिछली बार इसी दवाई की वजह से दो लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद डॉक्टरों ने आपको कंप्लेंट भी की थी, उसके बाद आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हम लोगों के हिसाब से एक्शन नहीं लिया जाता है समझे? BR फार्म्स का मालिक बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति है और उसके पास ड्रग्स कंट्रोलर का लाइसेंस भी है, और वैसे भी जो ये घटना घटी है ना उसके बारे में हम लोग रिपोर्ट निकाल रहे हैं, बाद में हम लोग एक्शन ले लेंगे, दैट्स ऑल। यस, तुमने यही इंजेक्शन कहा था, यह हमारी कंपनी में ही बनता है, यह तो अच्छा इंजेक्शन है। मुझे लगता है एक्सपायरी डेट होने की वजह से वो पॉइजन हो गया और वो बच्ची मर गई। अक्सर नर्स लोग ये सब चेक नहीं करती। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी कंपनी उस एक्सपायरी डेट की लेबल को निकाल कर नया लेबल लगाकर गवर्नमेंट अस्पताल में बेच रहा हो। हमारी कंपनी? तुम्हारी ये कंपनी दवाइयाँ रखती कहाँ है उतना बताओ। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर एक ब्लॉक है जहाँ पर सर्विस करने वालों को कभी जाने नहीं दिया जाता है। तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलोगे? अभी? हाँ अभी। भैया ऊपर से, भैया भैया इधर, भैया उधर नहीं इधर। देखो एक्सपायरी लेबल, ये फ्रेश लेबल, ये एक्सपायरी डेट के लेबल को निकाल के ये फ्रेश लेबल इस पे चिपका के ये नए स्टॉक की तरह गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। यस, मेरा शक सही निकला। वो बात नहीं है भाई, मैंने आपको सीट दिलाई, आज मेरी सीट हिल रही है। इतनी छोटी सी बात को नहीं हैंडल कर सकते तो फिर काहे के मिनिस्टर हो तुम? तुम तो कुछ भी बोलोगे, एक बच्ची की जान जाना कोई मामूली बात है क्या? बच्ची की ही जान गई है और लोगों की जान तो नहीं गई ना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये पहली बार हुआ हो। वो सारे नर्स डॉक्टर सब लोग स्ट्राइक पर जा चुके हैं। वो स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस बच्ची के बाप ने नर्स के ऊपर हाथ उठाया था, हमारी वजह से नहीं। लेकिन वो जर्नलिस्ट परशुराम हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हारी कंपनी में मिलावट हो रहा है, ये न्यूज में छपे इससे पहले तुम अपना सारा बिजनेस अंडरग्राउंड कर दो समझे? कौन है वो? ए, पकड़ो इन लोगों को। भैया ऊपर से। हम कर। ए, तुम लोग उधर जाओ। ठीक है। सुभाष सुनो, तुम जल्दी से घर पे जाओ, बहन वहाँ पे अकेली है। भैया तुम? तू मेरी परवाह मत कर, तू जा यहाँ से, जल्दी जा।
तुम तीनों उधर जाओ। सर आपको सर बिहार के आदमी तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आए थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, मैंने कुछ नहीं बताया तो यहाँ सर। एक्सट्रीमली सॉरी सर। सर बीआर कंपनी में जो भी गोलमाल हो रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। ओके ओके तुम अभी घर जाओ। सर लेकिन इसका प्रिंटिंग? ये प्रिंटिंग मैं देख लूंगा, तुम घर जाओ, वो लोग जरूर तुम्हारे घर जाएंगे। तुम्हारा भाई और बहन घर में अकेले हैं, तुम्हारी सिक्योरिटी की उन्हें जरूरत है, तुम जाओ जाओ जल्दी। ठीक है सर, लेकिन इसका प्रिंटिंग? हाँ वो मैं देख लूंगा, तुम जाओ। सुभाष बहन रमैया अपने भाई की जान बचाना चाहता तो फोटो और नेगेटिव लेकर बीआर के ऑफिस पहुंच जा। भैया भाई हाय खींचेगा फोटो खींचेगा खींच दे दो वरना तुम्हारा भाई भी हमारा भी खींचता। नहीं लाया ए, सिर्फ हाथ हिलाते हुए आया है, मार दो इसके भाई को। नहीं सुभाष तूने अपने भाई की अच्छी सुरक्षा की। ए, देखते क्यों, मारो इसको। रमिया अब तुम्हारी मर्जी, तुम अपने भाई को बचाओ या अपनी बहन को। ये लो अपनी बहन को। रमिया मुझे छोड़ दीजिए, पहले बहन को बचाइए। भैया मुझे छोड़ दीजिए, भैया मुझे छोड़ दीजिए, भैया पहले बहन को बचाइए, बहन को बचाइए भैया मुझे छोड़ दीजिए, भैया पहले बहन को बचाइए, भैया देखते रहो, पहले जाकर बहन को बचाओ, मुझे छोड़ दो भैया पहले बहन को बचाओ, मुझे छोड़ दो, भैया जाओ भैया बहन को बचाओ, भैया बहन को बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो, बहन को बचाओ, भैया मुझे छोड़ दो, भैया मुझे छोड़ दो, भैया तुमने उसे बचन दिया है, भैया तुम उसका बचा लो, भैया मुझे छोड़ दो भैया मेरी बात सुनो, पहले बहन को बचा लो भैया, मुझे छोड़ दो भैया, तुमने उसे वचन दिया था कि तुम इसे हमेशा खुश रखोगे, भैया तुम उसे नहीं बचाओगे तो माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी, भैया कभी माफ नहीं करेगी, भैया मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुमने जो प्यार किया उसका बहुत सा है भैया, तुम उसको बचा लो भैया क्या हो? मारो मुझे! मारो!
ये क्या हो गया? रम्या! बीआर फार्मास्यूटिकल में मिलावटी दवाइयों का धंधा चल रहा है। बीआर कंपनी बंद करो! बीआर कंपनी हाय हाय! बीआर कंपनी बंद करो! बीआर कंपनी हाय हाय! लेकिन पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, यहाँ क्या हो रहा है वो भी तो देखिए आप। बीआर साहब को जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे ये लोग शांति से नहीं बैठने वाले। फायर ओपन करो, वो लोग खुद ही भाग जाएंगे। ये मामला सिर्फ स्टेट बोर्ड तक ही नहीं रुकने वाला है, सारी की सारी गवर्नमेंट हिलने वाली है। मतलब बीआर को अरेस्ट करना ही होगा? बिल्कुल सर, वरना लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ओके प्रोसीड। अभी तक आग नहीं लगाई क्या? जला डाल, मैं भी देख रहा हूं। क्या सोच रहा है तू? यही कि अरेस्ट हुए हुए आधा दिन भी नहीं हुआ है मुझे अभी तक, और मैं बाहर कैसे आ गया? यही तो है बीआर का मतलब। फूल जर्नलिस्ट, तेरे तो सिर्फ अखबार का नाम ही टेरर है, लेकिन मेरा हर काम टेरर है। तुम्हारे पास पेन है, मेरे पास गन है। तुम्हारे पास पेपर है तो मेरे पास करेंसी है। पूरे देश को आज जिस पैसे की जरूरत है उस पैसे का मैं अधिकारी हूँ। लाखों पेन मुझे सलाम करते हैं और करोड़ों गन मेरे घुटनों पर झुकती है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो कुछ भी चाहूं वो मैं हासिल कर सकता हूं। यही बीआर की ताकत है। कमिश्नर साहब, आज एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाया है हमारा परशुराम। इस पे अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो इंडिविजुअल टेररिज्म पैदा होगा। यस, आई एग्री विद यू मिस्टर चंद्रकांत।
आपके एग्री करने से क्या होगा? सभी कह रहे हैं कि इसके पीछे उसका हाथ है, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे। सिर्फ आपके ही कहने से बीआर जैसे हस्ती को अरेस्ट नहीं कर सकते। मतलब मैं, जब तक हमें सबूत नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर सकते, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ओके, चंद्रकांत जी आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, पुलिस इसमें सब कुछ कर सकती है। सर जो अपराधी है वो पोजीशन वाला व्यक्ति है, इसलिए हम लोग मदद के लिए आपके पास आए हैं। आप जिला अधिकारी हो, मेरा आपसे एक ही सवाल है, अपने अधिकारों का आप इस्तेमाल करके परशुराम को न्याय दिलाइए प्लीज। देखिए आप लोग मुझसे कुछ और मदद मांगे तो मैं कर सकता हूँ, पैसे वैसे चाहिए तो उसकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस मामले में मैं कोई मदद नहीं कर सकता। अरे आज तो मैं ना क्या बताऊँ, क्या देखा था यार। अरे मैं पागल थोड़ी हो गया हूँ। अरे तू पागल हो गया है क्या? सुनते यार, अधूरी बात। भैया आपने दो दिन से कुछ नहीं खाया, कम से कम चाय पी लो प्लीज। भैया मेरे लिए पी लो। ए सर इधर आ रे। आ रहा हूँ सर। क्या सर? क्या रे ये ठंडी पूरी हमें देता है तेरी तो? गरम तो है सर। ये गरम है, ये ले। नमस्ते भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते भैया, परशुराम भैया, नमस्ते भैया, गुस्सा मत करो, नमस्ते भैया, गुस्सा मत करो, नमस्ते भैया, बाय बाय भैया। इस मेडिकल स्कैम में आपका भी हाथ है, इसीलिए बीआर फार्मास्यूटिकल के अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है, ऐसा सभी लोगों का कहना है। ये सरासर गलत है। हमने एक्शन लिया, क्यों नहीं लिया? हमने उसे अरेस्ट कर लिया और फटाफट बीआर पर एक्शन लिया। हाँ हाँ, आपने एक्शन जरूर लिया और गवर्नमेंट के थ्रू आपने उसे अरेस्ट भी करवाया। जब कोर्ट ने बेल दी तो गवर्नमेंट का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। एक जर्नलिस्ट अपनी जान पर खेल का सबूत लाता है तब भी आप लोग कुछ नहीं कर सकते, वो अपने परिवार को गवा देता है तब भी कुछ नहीं कर सकते। इतना कुछ हो गया उसके बाद भी आप इंसानियत को छोड़कर कुर्सी से चिपक कर बैठे हुए हैं। बीआर को पकड़वाने के बजाय आप उसको सुरक्षा दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, मुझे बदनाम करने की ये साजिश है, ये सब झूठ है। ये झूठ है, इसको साबित करने के लिए आप क्या करने वाले हैं? बीआर फार्मास्यूटिकल्स को सीज किया जाए। सांप को बगल में लेकर सोया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे जैसे नेता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे अरे जल्दबाजी में कुछ भी मत बोलिए। उन लोगों के सामने तुमने क्या बोला? और प्रेस वालों को देखते ही माइक पकड़ लेते हो? माइक पकड़ते ही मन में लड्डू फूटने लगते हैं। कल मुझे अरेस्ट करवाया और आज मेरी फैक्ट्री सीज करने की बात कर रहे हो? सीज करोगे तुम? करना ही पड़ेगा भाई। क्या कहा? ये सब तो करना ही है, लोगों के लिए तो करना ही होगा ना। आपके और मेरे बीच में जो रिलेशन है वो तो लोगों को पता नहीं है। मैं उन लोगों के साथ हूँ, ये तो झूठ मूठ का नाटक तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। ये बताओ अगर एक बार तुमने मेरी फैक्ट्री सीज करवा दी तो पब्लिक में मेरी इज्जत क्या रहेगी, मेरी पॉपुलैरिटी का क्या होगा? जब लहर आती है तो सर झुकाना ही पड़ता है, और जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। हम तो ऐसे ही रहेंगे जब तक मेरी गवर्नमेंट और मैं हूँ, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। स्टॉप 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 स्टॉप। एनी प्रॉब्लम सर? या मेजर प्रॉब्लम। ये कौन है पता है? ये तो वीरप्पन है, पता है मुझे, फोटो देखते ही पहचान लिया। मतलब तुम अच्छी तरह से जानती है इसको? हाँ अच्छी तरह जानती है। ये क्या क्या करता है? चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करके सरकार को फंसाता है। वेरी गुड, नेक्स्ट। तुम्हारी मूछें नहीं है और इसको मूछें हैं। अच्छा नेक्स्ट। जिस तरह हम मुर्गी मारते हैं वो हाथी को मारता है। ओके ओके, बाद में। कभी कभी वो लोगों को किडनैप भी कर लेता है। तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता है तो तुमने इस बात का रहस्य क्यों रखा? रहस्य? यस, वीरप्पन का एड्रेस। वीरप्पन का एड्रेस मुझे कैसे पता होगा? जोक मत करो। ये स्मगलिंग करता है पता है, ये हाथी को मारता पता है, ये पेड़ काटता चंदन का पता है, तो तुमको एड्रेस नहीं मालूम? अब जल्दी से इसका पता बता दो, मैं क्या तुम्हें पागल नजर आता हूँ? मैंने ये सब अखबार में पढ़ा है। डोंट टॉक। एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर होकर के तुम इस बेवकूफ को पकड़ नहीं पाई हो अभी तक। कांस्टेबल मैडम, गिरफ्तार करके हवाला। रुक जाओ, अगर तुम अरेस्ट करना है तो मुझे नहीं वीरप्पन को करो।
थोड़ी भी शर्म है तो मान मर्यादा के साथ वीरप्पन को अरेस्ट करके दिखाओ। भारत माता की रक्षा करो, 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 अरे बोलो जल्दी, भारत माता की रक्षा करो, भारत माता की रक्षा करो। चलो जो भी हिलेगा उसे गोली मार दूंगा, कोई भी नहीं हिलेगा। ए पैसे निकाल जल्दी। हेलो, यस आई एम एसआई वैजयंती स्पीकिंग। विदर्भ कॉम्प्लेक्स के सुपरमार्केट का मैनेजर बोल रहा हूँ। यहाँ पर आतंकवादी घुस गए मैडम। तुम डरो मत, मैं अभी आ रही हूँ। जल्दी पैसे निकाल, जल्दी। उरे ना, डोंट मूव, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। कांग्रेचुलेशंस मिस वैजयंती, तुमने लोगों का पैसा बचाकर हमारे डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा किया। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर उसे जिंदा पकड़ा होता तो और भी अच्छा होता। मैंने उसे सरेंडर होने के लिए वार्न किया था कि अपने आप को हमारे, लेकिन वो माना नहीं और मजबूरन फायर करना पड़ा। पर किया? रिवॉल्वर कहाँ है? वो रिवॉल्वर, वो रिवॉल्वर दे दो कमिश्नर साहब को। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मेरा रिवॉल्वर की ओर ध्यान ही नहीं गया सर। व्हाट, भूल गई थी? अरे तुम जो नौकरी कर रहे हो पुलिस की नौकरी है, एक्शन के बाद अपराधी के पास जो हथियार है उसे रिकवर करना तुम्हारा काम है, नहीं जानती तुम? अपराधी के रिवॉल्वर को बिना ढूंढे हाथ हिलाते हुए यहाँ चली आई? अगर वो रिवॉल्वर किसी नक्सलाइट या टेररिस्ट के हाथ लग गया और वो उसे किसी की जान ले ले तो तुम क्या कर लोगी? तुम भी मुजरिम ठहराई जाओगी, डू यू नो? आई एम सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर, मैं अभी जाकर उस रिवॉल्वर को हैंड ओवर करती हूँ सर। इमीडिएटली गो। यस सर। चीची, तुम जो भी करती हो गलत करती हो, छोड़ दो ये नौकरी। पुलिस की नौकरी तुम्हारे पास की नहीं, अब चुपचाप क्यों खड़ी हो? अब ऐसे ही खड़ी रहोगी या रिवॉल्वर भी ढूंढोगी? यस सर। रिवॉल्वर मिली हो तो मुझे हैंडओवर कर दो। अगर आप लोगों को किसी पर शक है तो वो मुझे अभी बता दो। वैसे भी विदाउट लाइसेंस रिवॉल्वर रखना कानूनन जुर्म है। वेलकम माय बॉय, वेलकम। तुम जरूर आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
तुम नहीं होते हो तो लगता है कि मेरी प्रेस समंदर के बीच मझधार में अटकी हुई है। मैं बिना पैर के हंस सकता हूं, बोल सकता हूं, मगर मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। कुरुक्षेत्र में महासंग्राम किया था भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन अर्जुन के बिना वो संभव भी नहीं था। परशुराम, तुम भूकंप सह सकते हो, प्रलय सह सकते हो, इतनी हिम्मत है तुम में। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसे भूल जाओ, अपने कर्तव्य को निभाओ। रिटर्न ऑफ द ड्रैगन। चीयर्स। स्टॉप भैया, चंद्रकांत भैया नमस्कार। अरे परशुराम तुम भी यहीं पर हो, तुमको भी नमस्कार। क्या हुआ तुम्हें? इस तरह तुम दीवार से चिपक कर क्यों खड़े हो? तुम इस तरह क्या देख रहे हो कि नरसिम्हा के एक हाथ में बाल्टी है और दूसरे हाथ में झाड़ू है? ये मेरा कौन सा गेटअप है, यही सोच रहे हो ना? बड़े बड़े सब नेता लोग पॉलिटिक्स में जाने से पहले क्या करते हैं? नोट पर झाड़ू लगाते हैं, और मैं भी यही कर रहा हूँ। इसीलिए मैं भी इतने दिनों तक दूसरों के पीछे खड़ा होकर गोबर उठा रहा था। एक बात बताओ तुझे, अब मैं भी आगे चलकर रोलिंग पार्टी में भर्ती होकर म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ूंगा, और आज की रात इसी खुशी में जश्न मनाऊंगा। अब तुम अपने पेपर में क्या छापोगे ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन चाचा किसी भी पॉलिटिशियन को ऊपर लाने के लिए तुम्हारा कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। सभी अखबार वालों के पास से होकर आ रहा हूँ, उन लोगों ने कहा अच्छी अच्छी बातें छापेंगे, समझे चाचा? सभी अखबार एक तरफ और आपका टेरर एक तरफ। आपके टेरर में मेरा न्यूज आ गया तो मैं सुपर इंटरनेशनल आदमी बन जाऊंगा। अरे मेरे ब्रदर, तुम इस तरह खामोश हो और मैं ही बोलने जा रहा हूँ। सुनो, फ्लैशबैक में जो भी हुआ मेरी बात सुनो, भूल जाओ। अभी मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ वो तुम ध्यान से देखो। ये देखो मैं बाल्टी में भर के क्या लाया हूँ, देखो सोचो। मैंने सभी अखबार वालों को छोटी छोटी बाल्टी दी और तुम्हारे लिए बड़ी बाल्टी लेकर आया हूँ। तुम अपने अखबार में मेरे बारे में फ्रंट पेज पर छापोगे तो खुश रहोगे। अरे तू मेरे सामने रिवर्स एक्टिंग कर रहा है, मेरे पैसे लो या ना लो, लेकिन तुम्हारे पेपर में सब कुछ मेरे बारे में ही छपना चाहिए, समझ गए ना? वरना बाकी के न्यूज़पेपरों में क्या हेडलाइन होगी तुम्हें पता है ना? नहीं तो रोड पर जर्नलिस्ट परशुराम की हत्या कर दी जाएगी और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, याद रखना। अब मैं चलता हूँ। जबरदस्त पब्लिसिटी करो, शहर की हर दीवार पर मेरा पोस्टर होना चाहिए। ए! तुम लोग ध्यान से सुनो, ये सब काम बहुत जल्द होना चाहिए। मेरे छपे पोस्टरों को पूरे शहर में बांटने चाहिए। ए, ये क्या, तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब जल्दी से जाकर तुम लोग मेरा पोस्टर चिपका दो। जाओ जाओ, अरे जल्दी जाओ जाओ। मुझे बुद्धू समझते हैं, मुझे उल्लू समझते हैं। आईना कहाँ है? आईना, अच्छा आईना यहाँ पर है, अब देखूंगा। अरे वाह, मैं तो एकदम सीएम की तरह लग रहा हूँ। गाना 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 गाना। मुझे तो लगता है पब्लिसिटी पूरी फैल चुकी है, इसलिए सीएम साहब ने फोन किया है मुझे। गाना 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 गाना। हेलो। अरे मेंटल, टाइम क्या हुआ रे? कौन है रे तू?
मुझे फोन करके मुझसे टाइम पूछ रहा है तू? एक बार अपना नाम बता दे फिर देख क्या करता हूँ, बता जल्दी। भारत माता का बेटा हूँ और तुम्हारा यमदूत हूँ। ए, तू कौन है रे तू? ए, कान खोल के सुन। भारत माता ने मुझसे कहा, बेटे मेंटल और उसके जैसे अत्याचारी लोगों का वजन अब मैं नहीं सह पा रही हूँ, इसीलिए तुझे मारने का मैंने माँ को वचन दिया है। आज शाम 4 बजे मैं तुम्हें मारूंगा। अरे! मारने से पहले ये बता दूं, इसीलिए मैंने फोन किया था, तुम्हारा गोबर फूटने में कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड बाकी है ये देख लो। शाम 4 बजे तुम्हारा गोबर फूटना निश्चित है। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, कमिश्नर साहब मैं बोल रहा हूँ, नरसिम्हा पेंटा नरसिम्हा, किसी ने मुझे फोन करके धमकी दी है कि 4 बजे के पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। किसने धमकी दी है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसकी बातों से सचमुच लग रहा था कि वो अब मुझे जान से मार डालेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है कमिश्नर साहब, बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो, जल्दी से आकर बचा लो मुझे। घबराइए मत नरसिम्हा जी, अभी सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूँ, मेरे आने तक इंतजार कीजिएगा, जब बोलूँ तो बाहर आइएगा। ठीक है साहब। अरे तेरा सत्यानाश हो, अभी तो साफ करके गया तो फिर चला आया, रख नीचे रख, तुझको दोबारा किसने कहा था यहाँ आने के लिए, भाग यहाँ से भाग। हेलो नरसिम्हा रेड्डी जी हैं क्या? कौन बोल रहा है? आप जल्दी से आ जाइए। किस लिए? मरने के लिए? मैं नहीं आने वाला। अरे मैं कमिश्नर बात कर रहा हूँ, अभी आपने फोन किया था ना सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी भेज रहा हूँ, बताया था ना। हम आपको चाहे जितनी भी सिक्योरिटी दें वो कम ही रहेगी, ऐसा कीजिए आप हमारी कस्टडी में आ जाइए, इसी में आपकी सेफ्टी है, आप जल्दी से निकलिए। ठीक है, मैं जैसा कह रहा हूँ आप वैसा ही करते जाइए, अगर एक क्षण भी और वहाँ रुके तो आप पे अटैक कर सकता है, शायद वो आपके घर पे भी हो सकता है। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। मोबाइल कहाँ है? ए ड्राइवर, ए ड्राइवर कहाँ मर गया तू? ए ड्राइवर कमिश्नर के पास जाना है, कहाँ है तू? अरे कहाँ मर गया तू, जल्दी आ, अरे जल्दी आ, पता नहीं कहाँ मर गया, मैं खुद ही जाता हूँ। नरसिम्हा जी कहाँ है? अभी अभी उस तरफ गए हैं। कार नंबर क्या है? हेलो हेलो कमिश्नर साहब, मैं बस आ ही रहा हूँ। वेरी गुड, मैंने सेफ्टी के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया है, आप सेल फोन ऑफ मत कीजिए। हाँ हाँ, मैं ठीक जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही ड्राइव कीजिए, आप सीधे चले आइए। ठीक है। नरसिम्हा जी अभी आप कहाँ पहुँचे हैं? मैं अभी शमशान के पास से गुजर रहा हूँ। हाँ तो वहाँ से राइट लेकर बंजारा हिल रोड नंबर 2 में आ जाइए। हाँ ठीक है। हाँ वहाँ से स्ट्रेट आइए। अभी आप कहाँ हो? अभी मैं बंजारा हिल क्रॉस कर रहा हूँ। वहाँ से राइट लेकर रोड नंबर 32 में आ जाइए। हाँ। अभी आप कहाँ पे हैं? जुबली हिल चेक पोस्ट के पास। उधर से टर्न लेकर रोड नंबर 36 में आ जाइए। अब आप कहाँ तक पहुँचे हो? सुपरमार्केट के पास। बहुत बढ़िया, वहीं पर रुक जाइए आप। आपकी कार के पीछे एक व्हाइट कलर की सुमो खड़ी है, आप उसी में शिफ्ट हो जाइए। दूसरी कार में क्यों? ये आपकी सेफ्टी के लिए मैंने अरेंजमेंट की है, आप अपनी गाड़ी से जल्दी से निकलिए, आपकी गाड़ी में बम भी हो सकता है। आया आया। ले जा रहा हूँ मुझे, ये कौन सा रास्ता है? आपको जहाँ पर लेकर जाना है वहीं पर ले जा रहा हूँ, 3 मिनट्स पहुँच जाएंगे हम, टेंशन मत लीजिए। लीजिए पेपर पढ़िए। कौन सा? पढ़िए इसमें तुम्हारे बारे में क्या लिखा है। क्या लिखा इसमें? पेपर में जो रेड कलर में लिखा है वो देखो। आ, आ, आ,
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो। कमिश्नर साहब, सर हम लोग सेफ्टी के साथ रहें या फिर सामान बांध कर देश छोड़कर चले जाएं? आप चिंता मत कीजिए सर। ऐसे चिंता ना करें, हमारे मेंटल बाबू को उसने फोन किया और जान से मार दिया। जसिमा रेड्डी ने आपको पहले ही फोन करके इन्फॉर्म किया था ना कि कोई से फोन करके मारने की धमकी दे रहा है? यस सर। तुमने क्या एक्शन लिया? मैंने पूरा एक्शन लिया था सर, मैंने स्पेशल ऑफिसर को उनके घर पे भेजा था लेकिन वो घर पे नहीं थे। और उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने उसकी डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया। मुझे तो ये लग रहा है कि ये काम जरूर मेरे किसी दुश्मन ने किया है। कल मुझे या मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसकी कौन गारंटी लेगा? आप अगर कुछ कर सकते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर आप ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके चिरकों को खिला दूंगा। सेम बुलेट, सेम रिवॉल्वर, आखिरकार एक मर्डर हो ही गया। अब इस तरह क्यों देख रही हो? अब तक नहीं समझी तुम? सुपरमार्केट में जो रिवॉल्वर तुमने छोड़ा था ये उसी की बुलेट है, और न जाने आगे वो कितने खून करेगा। नहीं सर, तब मैं कुछ एक्सप्लेनेशन। तुम्हारे बालों का रबर बैंड गुम नहीं हुआ है, रिवॉल्वर, पुलिस रिवॉल्वर। इस गन से हुई हर हत्या तुम्हारे नाम पे जमा होगी, हर हत्या के लिए जिम्मेदार तुम रहोगी। ऐसा नहीं है सर, मैं जो नो, मैं समझा चुका हूँ। तुम वो रिवॉल्वर ढूंढ के रखो, अदरवाइज यू हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। समझ लो, तुम हमें मुसीबत में डाल रही हो। दिस इज माई लास्ट वार्निंग, तुम जितना जल्द हो सके उस अपराधी को और रिवॉल्वर को ढूंढो, नहीं तो तुम पुलिस सर्विस से सस्पेंड की जाओगी। बी केयरफुल। तुम पुलिस डिपार्टमेंट में होकर इस तरह आंसू बहाती हो? छी छी। परशुराम, बेटा नरसराम जैसे एक इंसान को मार के समस्या का समाधान हो गया? जब घाव दवा से निकलता नहीं तो उसे ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। इंसान को कोई हक नहीं कि गुनहगार को वो सजा दे। मिस्टर परशुराम, जो काम किसी के अधिकार में है अगर वो नहीं कर रहा तो उस काम को करने का हक सभी को, ऐसा इतिहास में हर बार दोहराया गया है। गुस्से से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, हालात के हिसाब से अपने को चलना चाहिए। जो इंसाफ के लिए लड़ रहा हो उसके लिए टाइम हालात कुछ मायने नहीं रखता, और मुझे लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अरे वो गया तो गया, वो टाइम पे उसे मिलना है तो मिलेगा, और अगर नहीं मिला है तो नहीं मिलेगा। उसका इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? इससे मेरी नौकरी जा सकती है। अच्छा है, चली जाएगी तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। पापा। हाँ। नमस्ते अंकल जी। क्या बात है, स्वीट्स लेकर आए हैं? आपका जन्मदिन है क्या? नहीं, मरण दिन। मरण दिन मनाता है क्या? आप जोक कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे रावण के मरने पर हम दशहरा मनाते हैं ना, उसी तरह नरसिम्हा के मरने पर मैं ये आप लोगों के लिए मिठाई लेकर आया हूँ। जिसको अक्षत छींटना था वो तो मेरे हाथ में केला रख के जा रहा है, पता नहीं क्या होगा अब। क्या बात है, इतनी चुप क्यों बैठी हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, उस दिन सुपरमार्केट में मैंने एक चोर को गोली मारी थी, उस दिन उसका रिवॉल्वर कहीं गिर गया। पुलिस डिपार्टमेंट मुझ पर जोर दे रही है उस रिवॉल्वर को ढूंढने के लिए। उस रिवॉल्वर से नरसिम्हा का खून हुआ है। वो रिवॉल्वर मिलेगा कि नहीं, उस रिवॉल्वर से पता नहीं कितने लोगों का और खून होगा। मुझे तो सोच सोच के डर लग रहा है। इसमें इतना टेंशन लेने की बात क्या है, उसका काम जब खत्म हो जाएगा तब वो रिवॉल्वर लाकर तुम्हारे हाथ में दे देगा। मैं इस बात को लेकर इतनी टेंशन में हूँ और तुम्हें जोक सूझ रहा है? We'll be right back.
समा देखो समा देखो समा देखो समा है जवान। सुनो जरा सुनो जरा सुनो जरा जाने जा। हुए तुम जा से प्यारे दिल में हमारे रहने हो लगे। बने तुम जब से हमारे सपने सारे होने लगे जवान। देखो समा देखो समा देखो समा देखो समा देखो समा है जवान। जरा फोटो देखिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? मालूम है तो बता दीजिए, नहीं मालूम है तो भी बता दीजिए, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे ना तो भी मैं समझ जाता हूँ कि आपको बताएं। जल्दी से बता दीजिए, सोच के कि जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बता सकते हैं तो बता दीजिए, समझे? ये तो कोई पागल ही लगता है, इसके ट्रैक में घुसना पड़ेगा और इसे जवाब देना पड़ेगा। ज्यादा सोचने में टाइम लगता है। अरे ये सब तो मुझे अच्छे से मालूम है। अरे अपना वीरप्पन है ना, उसके साथ तो बचपन में गोटी खेलता था। गोटी खेलते थे उसके साथ? दाऊद इब्राहिम, उसके साथ तो मैंने क्या गुल्ली डंडा खेलते थे। बिन लादेन पत्ते भी, वो भी उसके अड्डे पे।
जो जो उनके बारे में पता है मैंने 3 मिनट में बता दिया। अभी तुम इतना बताओ कि तुम इन तीनों के फोटो क्यों लेकर घूम रहे हो, जल्दी बताओ वरना मारूंगा। मुझे इन लोगों के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है जरा ये तो बताओ। बिन लादेन की कितनी बीवियां पता है, दाऊद को क्या होता है ये तुमको पता है, वीरप्पन की मूंछें इतनी बड़ी कैसे हो गई क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे बाप का क्या नाम है तुम्हें पता है, नंदयाल का नाम पता है या पेनियाल का गांव पता है, तुम आकर मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें पता है, लेडी केड़ी जाड़ी वो सब तुम्हें पता है, उड़ने वाला रॉकेट, पैंट का पॉकेट, लेदर का जैकेट, गले का लॉकेट, ये सब तुम्हें पता है। पहले ये बताओ तुम्हें पूरा पता है या आधा पता है, आधा पता है तो उसमें से कितना पता है, उसमें से और क्या पता है, उसमें से और क्या पता नहीं है, जो नहीं पता है वो मुझे बताओ, और अगर नहीं बताओगे तो ये खाओ। मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं ठीक हो गया क्या? जो सर में घुसा हुआ पागलपन था चला गया क्या? थैंक यू सर। अच्छा ये पागलपन लगा कैसे? ये बहुत लंबी कहानी है सर, भारत देश में एड्स की तरह आतंकवाद फैल रहा है, इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए मैंने सोचा कि मैं मिलिट्री में जाके भर्ती हो जाऊँ, लेकिन उन लोगों ने भगा दिया। फिर क्या हुआ? हाइट छोटी थी, वेट कम था, इसलिए सर उस दिन से जो पागल हुआ था आज मैं ठीक हो गया सर, इसका शुक्रिया आपको जाता है सर, थैंक यू वेरी मच सर। आतंकवाद को खत्म करने के लिए मिलिट्री में भर्ती होना जरूरी नहीं है सर, सिविलियन होके भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, करूँगा, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा सर, सारे जहाँ से अच्छा। भाई 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 पेंटा जी को जिसने मारा उसके बारे में पता चल गया। कौन है रे वो? ये देखो भाई, ये देखो जब पेंटा जी राजनीति में आए थे तब सभी अखबारों में ये खबर छपा था, मगर उनके मौत की खबर सिर्फ 13 में छपी है। पॉलिटिक्स में नरसिम्हा, नरसिम्हा का राजनीति में प्रवेश, अधिकारी के रूप में भी नरसिम्हा, इस बार इलेक्शन में खड़ा होगा नरसिम्हा, और उसी नरसिम्हा के बीच रोड पर निर्मम हत्या। 4 बजे उनका मर्डर हुआ और 5 बजे इस अखबार में ये न्यूज आ गया, ये सब वो जर्नलिस्ट नहीं कर सकता है ना? जो वो कर सकता नहीं उसी ने किया है, अब टाइम वेस्ट किए बिना उसका सिर काट कर मैं अपने डैडी को प्रेजेंट करूंगा। वो देखो परशुराम, पकड़ो उसे। ए, गाड़ी में बैठो, चलो जल्दी करो।
सौ लोग मिलकर एक आदमी को मारने आते हो तो तू बहादुर हो गया। ये ले, मैं अकेला आया हूँ, अकेला आया हूँ मैं। एक अकेली लड़की को देखकर पागल कुत्ते की तरह उसके पीछे भागते हो ना तुम। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट ऑफिसर भी तुम्हारे पैसे के सामने बिक जाते हैं ना। और तुम्हारा बाप तो कह रहा था कि वो पूरे सिटी को सीमेंट में घोल कर रख देगा। बुला तेरे बाप को अब। आज की तारीख में इंसान पंछे की तरह आसमान में उड़ रहा है, पानी में मछली की तरह तैर रहा है, लेकिन आज जमीन पर इंसान इंसान का दुश्मन बन बैठा है तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। कलम के सहारे देश की सेवा करने का सपना देखा था मैंने, ऐसे इंसान के हाथ में तुमने गन थमा दी। इंस्पेक्टर, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? जानती हूँ, आप टेरर अखबार के एडिटर चंद्रकांत हैं। चक्री की कुर्सी पर बैठकर तुम ये सारा चक्र घुमा रहे हो, ये भी मुझे पता है। सबूत के बिना तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर। शट अप, सबूत और गवाह सब पुलिस स्टेशन में मिलेगा। मेरे साथ अन्याय करके चले गए, तुम्हारे बिना मैं पूरे स्टेट का क्या करूंगा बेटा। सपना देखा था तुम स्टेट के लीडर बनोगे, इतनी जल्दी तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे मैंने नहीं सोचा था बेटा। शहर के हिस्ट्री में किसी की शादी नहीं हुई होगी, ऐसी शादी मैं करवाना चाहता था तुम्हारी, लेकिन आज तुम्हारी अर्थी के पास बैठकर शोक मना रहा। सीएम की कुर्सी पर तुम्हें बैठे देखना चाहता था, लेकिन आज तुम अर्थी पर लेटे हो। राकेश बाबू, राकेश बाबू, राकेश बाबू, राकेश बाबू, राकेश बाबू। पेपर वाले, तुमने मेरे बेटे को मारा है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू। सर प्लीज, अपने आप को संभालिए सर, प्लीज सर। नहीं, छोड़ो मुझे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आपके बेटे का हत्यारा नहीं सर, वो कवर करने के लिए है। वो जर्नलिस्ट है सर, आप बात समझिए सर, वो हत्यारा नहीं है सर। मैं जानता हूँ, इसी
किसी ने मेरे बेटे को मारा है, अब इसी का किया जा रहा है। कंट्रोल योरसेल्फ सर, प्लीज सर, आप यहाँ से जाइए, लेकर जाओ इनको। मिस्टर परशुराम, आप यहाँ से बाहर जाइए। बात सुनिए सर, मैं तो कवरेज के लिए आया हूँ यहाँ पे। सर मुझे बाद में करो, मैं सर आप समझिए ना, लेकिन बात कर रहे हो, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। पेपर वाले, सर मेरी बात सुनिए, लेकिन मुझे यहाँ से। कम ऑन टेल मी, हत्यारा कौन है तुम्हें पता है? बताओ। नहीं मालूम मुझे। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? You are the mystery behind the murder, brain behind the crime. I won't leave you. नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। Stop that! I say stop it. वैजयंती। Sub Inspector वैजयंती। Yes Sub Inspector. इज्जत से मिस्टर चंद्रकांत को यहाँ से भेज दीजिए। जॉन टॉक, यह तुम्हारा प्रेस नहीं है, पुलिस स्टेशन है। मुझे पता है कि किसको क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए। गेट आउट। उन्हें कुछ नहीं पता, वो इनोसेंट है। यस। उन दोनों को मैंने मारा है। मर्डर स्पॉट पे मिला हुआ तुम्हारा गिफ्ट, विश्वास तुम्हारी कमजोरी है मुझे पता है, इसलिए मैंने चंद्रकांत जी को अरेस्ट किया था ताकि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। I'm sorry सर, आप मेरे पिता समान हैं, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी निभाई सर। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। परशुराम, मैंने तो सोचा था तुम्हें अपने हाथों से वरमाला पहनाकर अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगी, लेकिन इन्हीं हाथों से तुम्हें अरेस्ट करना पड़ा। सब इंस्पेक्टर वैजयंती, इतने दिनों से मैं तुमसे कहता रहा कि तुम घर में बैठकर खाना पकाओ। रियली यू आर ग्रेट, तुमने यह साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। पुलिस के लिए एक आदर्श हो तुम, इस बात के लिए कांग्रेचुलेट करता हूँ। इतने दिनों से आप मुझे ताना मारते थे, तब मैं बहुत दुखी होती थी सर, लेकिन आज मुझे शाबाशी दे रहे हैं तो मुझे इस बात की खुशी नहीं है। मिस्टर परशुराम, आपकी तरफ से कोई वकील है? इसकी जरूरत नहीं है सर। प्रोसिक्यूशन ने तुम पर जो इल्जाम लगाए हैं, क्या वो सच है? नहीं सर, मैंने जो किया है वो गुनाह है, मैं ऐसा नहीं मानता। ये न्याय है या अन्याय है, इसका फैसला करने के लिए हम हैं। तुम सिर्फ इतना बोलो कि तुमने खून किया है कि नहीं। किया है। देखा योर ऑनर, एक जर्नलिस्ट के रूप में एक आतंकवाद छुपा हुआ, ये एक टेररिस्ट है, एक आतंकवादी है। इसने अपने हाथों में पेन की जगह गन थाम ली। कसम खाता हूँ सर, बचपन में जब गाँव में बहुत डर लगता था, तब मेरी माँ मुझे चांद दिखाकर हमेशा ये याद दिलाती थी कि तेरे साथ चंदा मामा भी है। और कई बार अगर मैं मस्ती में आकर ऐसे कह देता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मेरी माँ कहती थी कि गांव की पुलिस गन लेकर आ जाएगी, और मैं फट से खाना खा लेता था। वो कहती थी कलम में बहुत ताकत है, और मुझे कलम से प्यार हो गया और मैं जर्नलिस्ट बन गया। अपनी लिखावट से मैं लोगों को बदल दूंगा, ऐसी गलत फहमी में था मैं। लेकिन इन कमीनों ने अपने अत्याचारों से मुझे ये एहसास दिला दिया कि यहाँ जीने के लिए पेन की नहीं गन की जरूरत है। मिस्टर परशुराम, हम हिंसावादी नहीं अहिंसावादी हैं। इस भारत देश में रहते हैं, तुम एक भारतीय जर्नलिस्ट हो, क्या तुम्हें प्रजा स्वातंत्र नहीं पता? प्रजा स्वातंत्र, प्रजा के लिए, प्रजा के हित में और प्रजा के द्वारा, इसी का मतलब प्रजा स्वातंत्र ना। ये मैंने बचपन में ही सातवीं कक्षा में सीख लिया था जज साहब। प्रजातंत्र देशों में सबसे बड़ा देश हमारा है, ये हर रोज हम नेताओं के मुंह से सुनते हैं। सर, प्रजा की देखभाल करने वाला प्रजा स्वामी होता है ना, बस कौन चलाता है? ड्राइवर ना। इन सारे ड्राइवर्स को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पुलिस की है, ऐसा हर रोज मैं पेपर में पढ़ता हूँ। ये बात सही है ना सर? इसका मतलब बस ड्राइवर नहीं, जिनके हाथ में गन है वो चलाते हैं। उसी तरह से प्लेन, ट्रेन, ड्राइवर या पायलट सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चलाते हैं, जो मिलिट्री है वो चलाती है।
बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पोलिस कैंप, पोलिस कैंप। बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा में AK-47 लेकर पुलिस खड़ी रहती है उनकी सुरक्षा के लिए। इसका मतलब एग्जाम में भी गन बात कर रही है सर। अरे रे 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 रे, आजकल हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर भी ये गन ही हमें काम में आती है। सुरक्षित जाने के लिए आपको यहाँ से गन मैन की जरूरत पड़ेगी। आपके घर के अंदर सिक्योरिटी, बाहर सिक्योरिटी, सब जगह सिक्योरिटी लगी हुई है। गन गन सिर्फ गन, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ गन। गुंडे के हाथ में चाकू और पुलिस के हाथ में गन। देखो कोई आम आदमी कैसे चैन से जी सकता है। एक आम आदमी इलेक्शन में अच्छे नेता को वोट डालना चाहता है सर, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसने जिसे वोट डाला है वो भी एक गुंडा है सर, गुंडा। ये बैलेट बॉक्स नहीं है सर, बुलेट बॉक्स है। बुलेट के द्वारा बैलेट को हासिल करना। एक एक मिनिस्टर को दो दो गनमैन लगते हैं। इसका मतलब 290 मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए 580 गनमैन लगते हैं। जो जीतता है उसे भी गनमैन की जरूरत है सर। जीते हुए नेता को प्रजा के बीच में आने के लिए भी 4-4 गनमैन लगते हैं। वार्ड की रक्षा करने के लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए पहले नेताओं को अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। ये सब बकवास है, माया मोह है, चीटिंग है। ना ही वो प्रजा की कोई नीति है और ना ही वो प्रजातंत्र है। गन के इंसान को गन के द्वारा गन का ही सहारा लेकर बचाने वाला गन राज्य है। इस गन राज्य को मैं पेन से नहीं जीत सकता, इसीलिए मैंने अपने हाथ में भी गन ले ली। तब भेष बदल कर मैंने दो भेड़ियों को मार दिया सर। एक था लड़कियों की जिंदगी तबाह करके पैसे कमाने वाला और दूसरा लड़कियों को देखकर उसके पीछे भागने वाला। और दूसरा लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों को मारकर मैंने कोई गुनाह किया है। जजमेंट आने तक इन्हें रिमांड में रखा जाए। Cheers! अरे अरे, वो परशुराम अरेस्ट हो गया, अब तो चीयर्स कर लो। वो मरेगा तब चीयर्स करेंगे, अरेस्ट से क्या होगा। उसको मरना होगा और उसे मैं मारूंगा। मुझ पे छोड़ दीजिए, उसको मारने के लिए मेरे पास एक बेहतरीन प्लान है। उसको हम ही मारेंगे लेकिन हमारे हाथों में डस्ट नहीं लगेगा। परशुराम जिस जेल में बंद है वहां का जेलर हमारा बहुत ही खास आदमी है, वो टॉर्चर कर करके उसको मार डालेगा। मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। जस्ट मिनट, जैकब जॉनसन। नमस्ते बियर सर। आओ चिकन तो खाओ। लाइव फूड नहीं है क्या सर? लाइव फूड? हाँ सर, ये पकाया हुआ खाना मुझे पसंद नहीं आता सर। चिकन, मटन, प्राउन्स, ऐसा कुछ भी हो, अगर वो जिंदा हो तो उसे खाने में बहुत मजा आता है सर। शुरू से ऐसे ही खाता हूँ सर। ये छोटा सा नाश्ता है सर, तो रुक रहे। अब भरोसा हो गया। Cheers, cheers. सर, परशुराम नाम के आदमी को आप भूल जाइए। मैं जिसको भी टॉर्चर करना शुरू करता हूँ ना, उसके स्वर्ग जाने का रास्ता अपने आप खुल जाता है। आप भी देखिएगा सर। बॉडी तो बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल मसल्स, लेकिन क्या फायदा है? हाँ हाँ, अभी तेरे चेहरे पर मृत्यु का काल दिख रहा है। रीडिंग, मुझे रीडिंग आती है। कहते ना कि जिसके नाभि के नीचे तिल होता है वो बहुत नसीब वाला होता है। ऐसा भी हो सकता है तेरी नाभि के नीचे भी तिल हो। देखू देखू देखू, अरे बैड लक, तिल तो नहीं है रे। अच्छा है, मैं तिल लगा देता हूँ। अगर भाग्य अच्छा हुआ ना तो तू बच भी सकता है। तो
फर्स्ट एड है। फाइनल ट्रीटमेंट तो कल दूंगा, उसके बाद फिनिश। परशुराम, तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हाँ बेटे, मैंने बेवजह तुम्हें एनकरेज किया ये सब करने के लिए। ये सब गलती से भी मत सोचिएगा सर, मेरी इस जिंदगी को आपने एक नया लक्ष्य दिया है। सर, आप मेरी मदद करेंगे ना सर? बोलो परशुराम, बोलो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तीसरा हेडिंग प्रिपेयर कीजिए सर। व्हाट? तुम होश में तो हो परशुराम? जिस हालत में तुम हो ये तुम्हें पता है? मुझे कुछ भी हो जाए, लक्ष्य तक पहुंचना मेरा मकसद है सर, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने मकसद तक पहुंच कर रहूंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। क्या देख रहा है बे? फैक्ट्री की रीओपनिंग में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांस्टेबल, सारे गेट बंद कर दो, सारे एंट्री बंद कर दो, कोई भी अंदर ना आने पाए। कम ऑन, हरी अप, हुई। व्हाट्स हैपनिंग? बीआर साहब, खबर मिली परशुराम जेल से फरार हो चुका है। नो!
भैया भैया भाग जाओ, भैया भैया भाग जाओ, भैया पुलिस
Parashuram, Ram, Ram, Parashuram, Parashuram, Parashuram.